चलिए चलते हैं ब्लॉकचेन की दुनिया में। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग फिर से जा रहे हैं बात करने अपने सॉलिडिटी फुल कोर्स को लेके। जैसे कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आ चुका है, तो आइए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है। तो आपने टाइटल भी देख लिया होगा, वैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट वेरिएबल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जा रहे हैं बात करने अपने स्टेट वेरिएबल के बारे में। स्टेट वेरिएबल कहाँ लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है और वो कैसे रन करता है, हम वो सब देखने वाले हैं। तो अपने रिमिक्स आईडी पर हम देखने वाले हैं। और कल के अपने पिछला वीडियो नहीं देखा मेरा तो वो देख लीजिए, उसमें मैंने बताया था आपको एक सैम्पल प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, उससे आपको आइडिया मिलेगा, तब आप स्टेट वेरिएबल देखिएगा। और भी मैंने पीछे बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं पार्ट करके, आप उसको देख लीजिएगा, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और चलिए चलते हैं अपने रिमिक्स आईडी पर। हाँ, तो मैं आ गया अपने रिमिक्स आईडी पर। तो अब आपको मैं बताने वाला हूँ हमारा जो स्टेट वेरिएबल क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेट वेरिएबल है वो हम बना लेते हैं ऐसे करके, और यहाँ पे मैं कर लूँगा एज, ठीक है। हाँ, तो देख सकते हैं आपने यहाँ पे मैंने बना लिया है अपना स्टेट वेरिएबल। तो अब आपको यहाँ पे जैसे कि यू एन टी लिखना है, उसके बाद एज लिख देना, तो हमारे ये स्टेट वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा पहले हमको यहाँ पे जो भी, अगर हम लोग अगर स्टेट वेरिएबल बनाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के लेवल पर बनाते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको डिफाइन करना पड़ता है जो हमारा स्टेट वेरिएबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे डिफाइन कर लिया, अगर मैं इसको यहाँ पे पब्लिक कर दूँ, ठीक है, तो जो हमारा पब्लिक होता है, पब्लिक मीन्स क्या होता है, जैसे कि आप इसको पब्लिक कर देंगे, एक तरह से पब्लिक का मीनिंग इंग्लिश में जैसे होता है कि वो पब्लिक, पब्लिकली आप उसको शो कर सकते हैं, वैसे आप एक समझ सकते हैं पब्लिकली हम उसको शो कर सकते हैं। और उसका एक फंक्शन क्रिएट हो जाता है डिप्लॉय करने पर, वो फंक्शन शो हो जाता है एक बटन के जरिए, जैसे कि हम ये जो हमारा रिमिक्स आईडी बना देता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो आगे जाके इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं पब्लिक वहाँ लिखने पे वहाँ पे शो होने लगेगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एज शो होने लगा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से पब्लिक हटा दूँ, ठीक है, यहाँ से जैसे कि मैं पब्लिक हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं पब्लिक हटा दिया, और अब मैं इसको वापस से यहाँ पे डिलीट करूँगा और यहाँ से वापस से इसको डिप्लॉय करूँगा, तो वापस से इसको यहाँ पे डिप्लॉय करने से यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये आ ही नहीं रहा है जो हमारा भी एज आ रहा था। तो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे पब्लिक नहीं लगाया था। अगर वापस से हम यहाँ पे पब्लिक ला के इसको डिप्लॉय करेंगे वापस से, तो यहाँ पे जब डिप्लॉय कर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्रिएट होके आ जाएगा अब। और वैसे अगर हमने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं डाली है, तो यहाँ पे हमने कोई वैल्यू नहीं डाली है, तो इसका पहले से ही हमारा वैल्यू क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले से इसकी वैल्यू जीरो थी। अगर आप इसकी वैल्यू को असाइन करना चाहते हैं तो आप ऐसे असाइन नहीं कर सकते, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ एज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे अगर 10 कर दूँगा, ठीक है, अगर मैं एज इक्वल्स टू यहाँ पे इसको 10 कर दूँगा, तो देख सकते हैं यहाँ एरर शो कर रहा है। क्या एरर शो कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रॉम सॉलिडिटी पार्सल एरर एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर बट गॉड इक्वल्स टू, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको डिफाइन करना है तो इसमें तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला जो होता है यहाँ पे, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे डिफाइन करना है एज क्या है, तो एज इक्वल्स टू आप कर दीजिए यहाँ पे एज इक्वल्स टू 10। अगर यहाँ पे एज इक्वल्स टू आप 10 कर देंगे, तब अगर आप यहाँ उसको डिप्लॉय करेंगे तब जाके यहाँ पे इसका एज जो है वहाँ पे 10 हो जाएगा। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ठीक है, अगर मैं इसका एज देखूँ तो इसका एज जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, ठीक है। इसका एक और तरीका है, अगर आप यहाँ नहीं चाहते कि मैं यहाँ पे मुझे करना हो, तो या फिर आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कंस्ट्रक्टर कर दूँ, यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। इसके बाद अगर मैं कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट करूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे एज इक्वल्स टू 10 करके यहाँ पे ऐसे कर दूँ, आप इस तरह भी यहाँ पे इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इसमें कैसा दिखता है, ठीक है, इसमें भी वैसे ही रहेगा, आपकी वैल्यू यहाँ पे इसमें भी 10 आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप एक और जो हमारा लास्ट तरीका है वो है यहाँ पे, वो है हमारा यहाँ पे जो लास्ट तरीका है वो है हमारा फंक्शन, ठीक है। आप फंक्शन एक क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ सेट एज नेम से, ठीक है, यहाँ पे मैं फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ सेट एज, और सेट एज फंक्शन क्या करेगा, हमारा इसकी वैल्यू को यहाँ पे कर देगा स्टोर, एज इक्वल्स टू कुछ भी कर सकते हैं आप, 16 में कर देता हूँ यहाँ पे, चलिए, ठीक है। अब यहाँ से फंक्शन को कर सकते हैं सेट एज, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कुछ एरर बता रहा है क्या, पब्लिक, हाँ, तो हमें यहाँ इसको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि वो वहाँ पे दिखेगा ना, कि इसको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा ना सेट एज फंक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कर देंगे और उसके बाद अभी कैसे कर रहा है,
अनडिटेड बट गॉट पब्लिक. ओके एक मिनट. हाँ तो यहाँ पे इसकी इसको हम लोग को यहाँ पे ऐसे कर देना है पब्लिक को, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे अगर हम डिप्लॉय करेंगे, अब यहाँ पे अगर हम डिप्लॉय करेंगे तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो 16 हो जाएगी. ऐसे फंक्शन के जरिए भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है. अब मैं यहाँ पे सेट एज कर दिया और एज क्लिक करूँगा तो इसकी वैल्यू हमें 16 शो करेगा, ठीक है. क्यों नहीं शो कर रहा, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सेट एज किया. अब मैं एज करूँगा तो ये 16 शो कर देगा, ठीक है. ये ऐसे यहाँ पे 16 शो करेगा. और उसके बाद यहाँ पे आप एक और अगर जुड़ना चाहते हैं UINT करके, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ एज हो गया. अब यहाँ पर मैं जैसे नेम कर देता हूँ, ठीक है. इसको हम लोग पब्लिक कर देंगे, ठीक है. इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे पब्लिक, ठीक है. पब्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा. और उसके बाद यहाँ पे इसको आप सेव नहीं करेंगे तो यहाँ पे वो आपका नहीं आएगा, ठीक है. आपको यहाँ पे कट करके वापस से डिप्लॉय करना पड़ेगा. यहाँ पे डिलीट करके हमारा नया इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है. इसको हम इंस्टेंस कह सकते हैं, ठीक है. तो हमारा जो है न्यू इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा. और उसके बाद अगर आप नेम पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे 0 ही शो करेगा, ठीक है. यहाँ पे कोई नल और नन का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, जैसे पाइथन जावा वावा में होता है, कुछ सी लैंग्वेज होता है, वैसे यहाँ पे कुछ नहीं होता, ठीक है. सिंपल से यहाँ पे आपका आ जाएगा जो वैल्यू रहेगी, यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टोर हो जाता है वहाँ पे 0, ठीक है. अगर आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि एज इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप कुछ भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है. आप चाहें कि मैं कुछ वैल्यू देके स्टोर कराऊं तो वैसे आप स्टोर करा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे स्टोर करा दूं, ठीक है. यहाँ पे ऐसे आप इसको करा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक वहाँ पे सैंपल कोड दिखाया था. इसको हम लोग आगे देखेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा. अभी आप यहाँ पर यही देखिए कि यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू है, ठीक है. आगे जाके हम देख, जैसे कि मैंने आपको एक सैम्पल कोड दिखाया था, ठीक है. यहाँ पर मैंने एक सैम्पल कट बनाया था, देखिए सैम्पल डॉट सॉल्व है, ठीक है. तो आप इस सैम्पल डॉट सॉल्व वाले वीडियो को अगर देखे होंगे तो उसमें आपको मैंने बताया था कि ये कैसे इसको सेट कर सकते हैं. देख सकते हैं यहाँ पे सेट एज के नाम से फंक्शन है, यहाँ पे एज प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे और रिटर्न कर देगा. ऐसा ऐसा जैसे मैंने इस्तेमाल किया, देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल किया गया है, ठीक है. यहाँ पे UNT का यहाँ पे बनाया गया स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है. तो ऐसे यहाँ पे स्टेट वेरिएबल बनाया जाता है हमारे स्टार्टिंग में, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ लिखा जाता है. जैसे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप सैंपल है तो यहाँ पे आप कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे मैं कॉन्ट्रैक्ट दे देता हूँ, ठीक है. यहाँ पर मैं कॉन्ट्रैक्ट दे देता हूँ माइंड ब्लॉक, ठीक है. यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे यहाँ पर. और उसके बाद अगर आप इसको यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दे देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए माइंड ब्लॉक कॉन्ट्रैक्ट / माइंड ब्लॉक डॉट सॉ. इसको हम लोग कंपाइल करना चाहते हैं, मतलब डिप्लॉय करना चाहते हैं. और डिप्लॉय करने के बाद हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है. तब आप यहाँ पे एज करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा अभी, और नेम करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा. अब आप सेट एज कर देंगे तो यहाँ पे 78 आ जाएगा एज के अंदर, ठीक है. तो इस तरह हमारा वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाता है. आगे जाके हम लोग और समझेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है, आपको अच्छे से समझ नहीं आया होगा तो मैं आज उसका एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, उस पर आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है. तो ये हमारा स्टेट वेरिएबल सिंपल है एकदम. आप यहाँ पे क्रिएट करके ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है. एक बार जाके यहाँ पे ऐसे ट्राई करिएगा. और कोई भी डाउट रहेगा मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है. वहाँ पर मैं आपको फ्रिक्वेंटली आंसर दे दूँगा, ठीक है. और आपको ये स्टेट वेरिएबल यहाँ पे आप ट्राई कर लीजिएगा, यहाँ पे जितने चाहे वहाँ पे स्टेट वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उसी समय वहाँ पे वो क्रिएट होके डिप्लॉय नहीं हो जाएगा जब तक आप डिप्लॉय नहीं करेंगे उसको, ठीक है. हाँ तो मैंने यहाँ पे जैसे आपको स्टेट वेरिएबल बता दिया है क्या होता है, ठीक है. तो यही था हमारे इस वीडियो में स्टेट वेरिएबल. तो इस वीडियो में इतना ही था. और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी कर दीजिएगा. आगे मैं सोच रहा हूँ कि अब ब्लॉकचेन का भी, इस ब्लॉकचेन के टॉपिक पे कुछ वीडियो लाऊं कि 54% अटैक क्या होता है, और ये हमारा जो हमारा ये Layer 1 Layer 2 सब क्या होते हैं सब आपको जानना पड़ेगा. और मैंने एक वैसे एक एयर ड्रॉप का वीडियो बना दिया था, ठीक है. तो यहाँ पे क्रिप्टो में एक एयर ड्रॉप भी होता है, माइनिंग भी होता है. तो हम ये सब के बारे में जानेंगे ब्लॉकचेन में. पूरा ब्लॉकचेन का टॉपिक है, मैंने ब्लॉकचेन का प्लेलिस्ट बनाया, उसमें और वीडियोज डालूंगा. फिलहाल अभी हम जिस टॉपिक की सॉलिडिटी के टॉपिक पर बात कर रहे थे, हम उसी के टॉपिक की अभी बात करेंगे,
ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो मुझसे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।